Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अवामी लीग का भी बहुत बड़ा काडर था, तो वो काडर जो है वो क्या बीएनपी के जमात इस्लामी के काडर के से बड़ा है? और क्या वो चुप बैठेगा? क्या वो वापस सर नहीं उठाएगा? विल देयर बी अ सिविल वॉर? अमेरिका अवामी लीग का जो कैडर बेस है, वो कैडर बेस 15 साल तक खाया घी मक्खन खा खा के इतना चर्बी हो गया कि अभी तो उसके दिल में ये कोई फाइट करने के कॉन्फ्रॉन्ट करने की शायद शक्ति है नहीं। मगर अवामी लीग के ऊपर बहुत बड़ा एक सुनामी गया, सिर्फ 5 अगस्त शेख हसीना की रेजिग्नेशन और उनके चले जाने के दिन से बहुत बड़ा सुनामी एक शेकअप हुआ, और शेकअप से ओवरकम करने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और बाद में जरूर ये लोग कन्फर्म करेगा तो जरूर अवामी लीग करेगा और बीएनपी जमात भी काउंटर कन्फर्म करने के लिए कोशिश करेगा। और जैसे कि ये यहाँ सरकार है, इसका शर नहीं है, सो क्या होगा कि सिविल वॉर। अनदर एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, ये देखिए कि यूनुस साहब को जब बीएनपी और जमात ने बैठाया तो उनके दिल में महसूस थे कि यूनुस साहब 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने में इलेक्शन चुनाव की डिक्लेयर करके वो पावर को एक इलेक्टेड पार्टी के हाथ में देके चले जाएंगे। और अभी यूनुस साहब आके कहने नहीं, मुझे बहुत बहुत कुछ करना है, रिफॉर्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, वगैरह वगैरह करना है। सो अगर आप तो पूरा लिस्ट देखेंगे उनके रिफॉर्म का, वो करने में 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। अभी बीएनपी वो तो एक रिपोर्ट आया था कि वो कह रहे हैं कि 6 साल लगेगा। वो मैं तो यही कहा ना, 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। सो बीएनपी और जमात की जो ये मूवमेंट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की डोनर्स, उन्होंने तो पॉलिटिकल शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया कि $50 लगाओ, 3 महीने बाद $5,000 वापस आएगा प्रॉफिट के साथ, मुनाफे के साथ। अभी उनका तो पूरा बिजनेस खराब हो गया, और बिजनेस खराब हो गया तो वो तो प्रेशर डालेगा ना बीएनपी जमात के ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो, सड़कों में जाओ, यूनुस के खिलाफ आवाज उठाओ। हमारे क्या लगता है कि आज अब 20 अगस्त हम लोग बात करें, 30 अगस्त तक ये शर्त में आ जाएगा डिमांडिंग इलेक्शन, और और अगले महीने वो डिमांड का जोरदार होगा। उसके बाद यूनुस साहब का एक माइनस पॉइंट है, वो या तो वो कुछ भी है, उनका बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो जो दो क्रच में भर लगा के खड़ा हुए हैं, एक क्रच का नाम है बीएनपी, दूसरे के नाम है जमात इस्लामी एंड इस्लामिस्ट। सो ये दोनों तो चला जाएगा सड़कों में इलेक्शन की डिमांड लेके, सो यू विल बिकम अ क्रचलेस पर्सन, वो व्हील चेयर में बैठ जाएगा और उनके कोई सपोर्ट बेस है नहीं, ही डज नॉट हैव हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी और सपोर्टर्स, नथिंग। एंड देन जिन्होंने उनको बैठाया कि आर्मी, और आर्मी ने तो बहुत बड़ा एक रिस्क ले लिया कि शेख हसीना को हटा के, इट्स अ बिग रिस्क, वेरी बिग रिस्क। नाउ उनको अभी क्या कहना, क्या कहता, क्या कहूँ कि यूनुस को जबरदस्ती में उनको रखना पड़ेगा, तुम रहो, क्योंकि नहीं तो उनके जो बीएनपी पावर में आएगा, ये कोई भी आएगा, आएगा अगर तो ये तो पहले एक्शन वो आर्मी ऑफिसर के खिलाफ ही देंगे, कहेगा कि हसीना के साथ बिट्रे किया तो हमारे साथ कर सकता है। तो इससे टोटल इंस्टेबिलिटी, इलेक्शन तो अभी होगा नहीं, इलेक्शन की कोई कारण भी नहीं है, इट विल बी टर्निंग इनटू अ वायलेंट मूवमेंट एंड काउंटर मूवमेंट। एंड इसके बाद आप जो कहा, हाँ अवामी लीग के बहुत सारे कैडर्स है और उसके पास पैसा भी है, वेपन्स शायद वो जुगाड़ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं म्यांमार से, बहुत आसान से म्यांमार बॉर्डर की उस तरफ से, बांग्लादेश की जो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर की उस तरफ वेपन्स मिलता है चाइनीज मेड, वो खरीदेगा।
और खरीदने के बाद यस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सीविल वॉर। अच्छा, ये सब में एक और मैं पूछता हूँ कि ये जो वकुरुस जमा जो मिलिट्री चीफ है, आर्मी चीफ है, इनको कैसे मैनेज किया? ये तो हसीना वाजिद के खास आदमी थे, तो उन शेख हसीना के रिलेटिव थे, रिश्तेदार भी हैं, मगर कैसे मैनेज किया ये देखिए कि ऐसा ही होता है। पिछले की दुनिया के हर जगह की जो हम इतिहास देखेंगे, सो द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन होता है उसको ही खरीदता है, कि अनवर अल सदत को जो गोली करके मारा था वो भी उसके खास आदमी थे, और खास आदमी ही ऐसे करता है। और सेकेंडली क्या है कि हर एक दिल उन्होंने सच सोचा होगा कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, अगर हसीना गिर जाएगा तो इनके लिए मुसीबत आ जाएगा, तो वो भी टैकल करने के लिए इन्होंने शायद सब किया। तो मगर आई मीन कहीं बात है ना कि यहाँ मैं कह नहीं सकता हूँ कि शेख हसीना ने ये 5 अगस्त के एक हफ्ते आगे भारतीय हाई कमिश्नर साहब से मिले उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और शेख हसीना ने कहा कि ये प्रोटेस्टर्स को प्लॉट था कि श्रीलंका की तरह कुछ करे, और देखिए बाद में सही से श्रीलंका की तरह ही कुछ हो गया। सो अभी क्यों किसने क्या किया वो मुझे पता नहीं, मगर एक बात मैं सही कहूँगा, आपको जरूर कहूँगा कि ये यूनुस को बहुत लोग बांग्लादेश में ये समझते थे कि ये अवतार है, कि इसके हाथ में मैजिक लैंप है और ये आएगा तो सारे प्रॉब्लम्स एकदम 24 आवर्स में बदल जाएगी, मगर असल से यूनुस साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। और फंडिंग भी आप देखिए कि वो जो 8 तारीख उनका ओथ हुआ अभी तक सिवाय IMF का जो लोन जिसका इंतजाम शेख हसीना गवर्नमेंट ने किया, इसके अलावा कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी है नहीं। और यूनुस साहब भी कल डिप्लोमेट से मिले ढाका में, सारे डिप्लोमेट से मिले और उन लोगों को भी कह दिया कि ये रिफॉर्म करने में वक्त लगेगा वगैरह, मीनिंग ही वॉन्ट्स टू गिव ए सिग्नल टू द फॉरेन कंट्रीज भाई मैं हूँ पावर में 6-7 साल कम से कम, सो तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो आओ हमारे पास, इंतजार करने की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो बाकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी सुना कि वो उसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट निकल गया बाहर, इंडिया में आ गया काफी कुछ, तो बांग्लादेश का गारमेंट्स जो है ना द मेन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, सो अभी गारमेंट्स ने ये मूवमेंट में गारमेंट्स का काफी नुकसान हुआ, और अभी क्या हो रहा है कि वियतनाम में भी, इंडिया में भी नहीं, वियतनाम में बांग्लादेश की बहुत सारे ऑर्डर्स डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर डाइवर्ट हो रहे हैं, और वियतनाम इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री विद चाइना, यू नो दैट। सो क्या होगा कि आप तो सही कह रहे हैं कि इस हालत में कौन इन्वेस्ट करेगा अगर पागल नहीं है, मगर यूनुस साहब तो ये मैसेज देना चाहते कि भाई इंटीरियम हो नहीं 3-4 महीने के लिए, हो नहीं मेरे साथ भी बात करो इन्वेस्टमेंट का, मगर इस हालत में इन्वेस्टमेंट के तो बात बहुत बड़ा है, कोई भी कुछ भी लेके कोई मेजर चीज लेके यहाँ डिस्कस करने के लिए आएगा नहीं जी। अच्छा, इसमें आपने जो है अभी राहुल गांधी का बड़ा एक्सपोजर किया है, तो ये राहुल गांधी का इस पूरे उसमें सिंपैथी क्या है, वो तारिक रहमान से क्यों मिला था जाके, क्या उनकी तरफ से भी वो भी इसमें शामिल है क्या? देखिए तारिक रहमान की जो पार्टी है BNP 2001 में 2001 दिसंबर इन्होंने अयमन अल जवाहिरी को अलोंग विद द टीम ऑफ अलकायदा दे ब्रॉट देम टू बांग्लादेश एंड होस्टेड देम फॉर 2-3 मंथ्स जब उनके ऊपर अलकायदा के ऊपर कोई प्रॉब्लम था, मीनिंग ये जो बाटी लिंचनर साहब की किताब में भी थे और हमारे प्लेस में रिपोर्ट में भी है। अभी जो राहुल गांधी साहब तारिक रहमान से क्यों मिले, इसके लिए मिले शायद के तारिक रहमान के पीछे जो ब्लू प्रिंटर है वो ब्लू प्रिंटर शायद राहुल बिंची या राहुल गांधी साहब के पीछे भी हैं, और ये जो ब्लू प्रिंट की जितने पॉसिबल बेनिफिशियरीज एंड पार्टिसिपेंट उनको तो मिलना है, इसके लिए उन्हें मिला। और तारिक रहमान को भी भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा मेजर पॉलिटिकल पार्टी से एक ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत थी, वो तो मिल गया। और ये जो आपने एक्सपोजर किया है राहुल गांधी का, अभी लेटेस्ट आपने किया कि साहब को वो म्यांमार में कोई गार्डन कैफे है उसमें जाते रहे, तो वो क्या वहाँ पर क्या है म्यांमार में? ये
ये अभी मैंने ट्वीट किया एक चीज, म्यांमार में के जो गार्डन गेस्ट हाउस है, गार्डन गेस्ट हाउस उसमें नहीं नहीं म्यांमार में गार्डन गेस्ट हाउस रंगून जो सिटी है यांगून में करेक्ट। और इसमें अभी हमारा म्यांमार में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने कहा कि इस गेस्ट हाउस में बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, इनमें से कोई कोई डी कंपनी का लोग है, दाऊद इब्राहिम का, और पाकिस्तानी आईएसआई के भी लोग आते हैं, और वो जो फेक काउंटरफेट इंडियन करेंसी का जो लेन देन होता है नी पाकिस्तानी आईएसआई जो छपता है उसकी प्रिंटिंग प्रेस में, उसका भी लेन देन यहाँ होता है। दिस गार्डन गेस्ट हाउस बहुत ही मामूली तरीके के गेस्ट हाउस है सही, मगर दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मीटिंग पॉइंट ऑफ मेनी पीपल। तो ये यहाँ कितनी बार आए हैं आपके हिसाब से? अभी तक तो ये तो गिनती खत्म नहीं हुआ, मैं बहुत सारे दफा गया और रिसेंटली भी ह्यू एंड देयर, और वो जो भी जाते हैं वो कोई और होटल में रुकते हैं, बाद में इस गेस्ट हाउस में छुपाए से जाते हैं, और उस वक्त गेस्ट हाउस का सीसी कैमरा बंद रहता है और उनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी उनको उनके साथ वो नहीं ले जाते। तो किससे मिलते हैं हमें पता नहीं, वी आर सस्पेक्टिंग सो मेनी थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव दैट राहुल गांधी इज मीटिंग दाऊद इब्राहिम्स मैन, आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव राहुल गांधी इज मीटिंग आईएसआई मैन, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बिलीव दैट ही इज मीटिंग हिज गर्लफ्रेंड्स और समवन ओवर देयर, बट कोई वजह तो है ना जाने का, मैंने तो ओपनली ट्वीट किया, सो शायद वो वजह राहुल गांधी साहब को पता है कि उनको इतना भी पता है कि लंदन में जो उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, मीटिंग की, यह तो सही है, अभी वो जानते क्यों मुलाकात की, तो हम तो उस कमरे में नहीं थे।